पंजाब हुकूमत ने दो अफसरान को रिलीव करने से माजरत कर ली। जराए के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर और सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अदनान भट्टी से। जी अदनान, जी पंजाब हुकूमत ने दो अफसरान को रिलीव करने से मुआवजत कर ली है। जराए के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया है। जराए का कहना है कि अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता और उन्होंने वफाक को ये पहले दरख्वास्त भी की थी कि अफसरान को तब्दील करने से पहले उन्हें एतबाद में लिया जाए। ये याद रहे कि चंद रोज कबल डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को आईजी पंजाब तैनात किया गया था और इस्लामाबाद तैनात किया गया था और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन चंद रोज बाद बज़ाहिर ये मालूम होता है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और जो पंजाब हुकूमत है उनके दरमियान जो है वो अभी मामला तय नहीं पाए, क्योंकि वफाक ने ये दरख्वास्त जो है वो की थी कि अली नासिर रिजवी को इस्लामाबाद आईजी जो है वो लगवाया जाए, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है उनका ये कहना है कि अभी उनको रिलीव नहीं किया जा सकता और ना ही जो सीएनडब्ल्यू के सुहेल अशरफ है सेक्रेटरी उनको चार्ज छोड़ने से जो है वो रोका जा सकता है। ताम इस हवाले से उनका कहना था कि दोनों अफसरान जो है फिर वक्त पंजाब में ही काम करेंगे और यहाँ से जो है उनको रिलीव नहीं किया जा सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।